नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मायरा क्लासेस में। मैंने कुछ स्टूडेंट से वादा किया था जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है क्लास 10th के बाद, कि मैं आपको मिलवाऊंगा एक लड़के से जो अपने ही मवाना के ओरिजिन का है। फिलहाल मेरठ में रह रहा था, काफी सालों से पैदाइश भी मेरठ की है, मगर पेरेंट्स और फैमिली मवाना की। ठीक है, तो उसने बिना किसी कंपटीशन की कोचिंग लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिर्फ स्कूल में पढ़कर, या ये कहूं कि 11th 12th की तैयारी करके आईआईटी क्रैक कर दिया। तो प्लीज वेलकम ओम गुप्ता। ओम गुप्ता, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ओम, सबसे पहले हाँ, मुझे बताइए आपके 10th और 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे? 10th में मेरे 10th में शायद 92 पॉइंट समथिंग थे, और 12th में भी इतने ही थे, आसपास ही थे इतने। 10th में जहां तक मेरे पास आपका सीवी है उसमें 92.6 मार्क्स थे, और 12th में 94.2 मार्क्स थे। स्कूलिंग कहाँ से हुई आप? स्कूलिंग मैंने वर्धमान एकेडमी से पढ़ा था, मेरठ में है एक। ये हाँ रेलवे रोड वाला जो वर्धमान अकेडमी है? हाँ हाँ रेलवे रोड। जी, बहुत बढ़िया। तो ओम, आपको कब लगा कि आपको आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए? ऐसा था कि लाइक एक ये होता है ना, पीयर प्रेशर में कर लेते हैं कुछ लोग, तो मैं भी उसी का ही पार्ट था कि पीयर प्रेशर में मैंने कर लिया, क्योंकि मैं ऐसे ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई तो ज्यादा करता नहीं था। तो फिर मैंने 10th के बाद मैंने देखा, मेरे जो लाइक 10th के बाद हमारा कोरोना बैच था, 11th और 12th, तो कोविड-19 था, तो उसमें वो तो फिर ऐसा था कि मेरे जो सोसाइटी में लोग रहते थे उसमें दो बंदे थे, उन्होंने ड्रॉप लिया हुआ था और वो जेई की पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर मैं उनके साथ ही रहता था। तो फिर मैंने उनको देखा तो मेरे को भी लगा कि ये भी प्रिपेयर करना चाहिए। और एक मेरे मतलब रिलेटिव भी हैं, मतलब भैया हैं मेरे, उन्होंने भी जेई की पढ़ाई की थी और वो काफ़ी अच्छे उन्होंने किया भी था, तो मैंने उनको ही देख के ऐसे कह, तो रेड रेस में आ गया था, बट हाँ मेरे लिए रेड रेस अच्छी लगी तो मैं इसमें मतलब मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैंने पढ़ाई भी करनी शुरू कर दी। तो आई थिंक यू आर बीइंग मॉडेस्ट कि आप रेड रेस में आ गए, या मैं कहूंगा इंस्पायर हुए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने जो हाँ आपके आपके कजिन हैं उनसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास दो सवाल हैं हूं, बच्चे ये पूछना चाहते हैं, उसी को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। पर सबसे पहले मैं आईआईटी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप स्कूल से निकलकर आईआईटी में आए, तो आईआईटी का माहौल कैसा है, क्या है आईआईटी? क्योंकि हम लोग सिर्फ आईआईटी को जानते हैं, वहां इंजीनियरिंग हब है, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इतने लाख या करोड़ का पैकेज जाता है, ठीक है, बट व्हाट इज लाइफ एट आईआईटी? थोड़ा सा हाँ शॉर्ट में हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। सो आईआईटी एक कॉलेज ही है नॉर्मल, जैसे आपके आसपास भी कॉलेज होंगे, बट उसमें बेटर क्या है कि आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, आपको रिसर्च वगैरह कुछ करना है। जैसे हमारे को स्कूल में वेकेशन में प्रोजेक्ट मिलते थे कि हमें कुछ बनाना है, जैसे मॉडल बनाना है, ये बनाना है, तो उसके लिए पूरा सारा मतलब जो भी रिसोर्सेज तुम्हें चाहिए कुछ भी बना सकते हो तुम लोग, बस तुम्हारे पास एम्बिशन होना चाहिए कि तुम्हें कुछ बनाना है, तो तुम प्रोफेसर के पास जाओगे, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे तुम्हें स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना है या फिर अगर तुम्हें एकेडमिकली भी काफी अच्छा करना है, सारी चीज के रिसोर्सेज अवेलेबल है। लाइक आईआईटी इज नॉट रिलेटेड टू ओनली द इंजीनियरिंग थिंग, लाइक सीएस और मैकेनिकल कोर मटेरियल थिंग, लाइक हमारे आईआईटी में एमए कोर्सेज भी होते हैं, एमए एमएससी, तो एमए एमएससी में क्या है डिजाइन कोर्सेज भी होते हैं, लाइक अभी वीडियो एडिटिंग डिजाइन, ये ग्राफिक डिजाइनिंग काफी बूम पे है, तो उसके उस चीज के भी बेस्ट प्रोफेसर होते हैं। तो ये होता है कि आईआईटी एक एक्सपोजर देता है कि अच्छे तुम्हारे आसपास सारे अच्छे लोग होते हैं, और इस सबसे बढ़िया होता है कि आईआईटी का एक्सपोजर, लाइक जो आसपास का एनवायरनमेंट है, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो सारे, वो ऐसा है कि सारे स्कूल टॉपर्स हैं, तो तुम वहां पे बेसिक लाइक ऐसा होता है कि अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा अगर जैसे तुम्हें 10th में पढ़ा रहे होते हैं कि कुछ पढ़ाते हैं साइंस का, तो ये तो टीचर बेसिक रखता है कि तुम्हें ABCD आती है, अल्फाबेट्स आते हैं, तुम्हें वर्ड्स बनाने आते हैं, वर्ड्स लिखने आते हैं, तो ऐसे ही जो 11th 12th तक का बेसिक होता है वो टीचर ये रखता है कि तुम्हें ये सब तो आता ही है, बेसिक आता है ये बेसिक आती है, तो उसके आगे का पढ़ाते हैं, तो ये होता है लाइक वो अल्फाबेट बन जाता है हमारे लिए 11th 12th का, और वो सबके लिए सिमिलर हो जाता है क्योंकि सभी सभी उसमें प्रोफिशियंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा,
कितना मुश्किल रहा, क्या क्या मुश्किलें आई आपके सामने, क्योंकि आपने कोचिंग नहीं ली कहीं से, तो आईआईटी का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया आपने, तो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपके आपको ओवरकम करने पड़े या रहे, चैलेंजेस क्या रहे हाँ, आपको? चैलेंजेस तो मैं कहूँगा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का गेम है। एक तो मेन तो 2 साल तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है, और ऐसा भी कि अगर 11th भी तुमने अच्छे से पढ़ लिया और फिर 12th के जब एंड में एग्जाम आ रहे होते हैं तो 11th को रिवाइज करना होता है पूरा अच्छे से, तो वो सबसे हार्ड चीज होती है। अगर कहें तो कंसिस्टेंसी का गेम है कि 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि 1 साल लग गया। और ऐसा भी है कुछ लोग करते हैं 11th 12th में पढ़ाई कर लेते हैं 11th पर, ऐसा होता है उनका बेसिक 11th का पूरा क्लियर होता है। एक तो ये हो गया, चैलेंज हो गया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और दूसरा होता है कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जैसे मेरा कोविड बैच था तो मोबाइल्स का ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था, तो काफी टाइम हुआ मैं भी मोबाइल्स वगैरह नहीं, मतलब काफी ऐसा बैड, जैसे कहते हैं ना बैड डेज होते हैं कुछ, कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं या फिर क्लासेस मिस कर दी मैंने आज की, ऐसे तो ये सब होते हैं। कभी कभार टेस्ट में भी कम मार्क्स आते हैं, बट वही है कि मोटिवेशन आए रखना होता है। दूसरा है कि मोटिवेशन आए रखना है हमें, लाइक हमने जिस चीज के लिए स्टार्ट किया था वो सब, ये सब चीज नहीं भूलनी। और तो बस यही चैलेंजेस, तो मतलब वही है, एकेडमिकली चैलेंजेस होते हैं आसपास। अगर घर पे रह रहे हो तो बेस्ट ही है, घर पे रह रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो घर पे रह के तैयारी कर रहे हो तो, इससे एक क्योंकि वहां हमारे, पे सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जो पॉइंट अभी छुआ 11 12 की बात कर रहे थे आप सिलेबस के, एक हमारे एक स्टूडेंट है मेरी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सिलेबस करने की जगह अगर हमसे, सारा सिलेबस करने की जगह अगर हम 12th का सिलेबस कर लें तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा? ओम, हालांकि उसने आंसर दे दिया है, बस को एक दो टूक में बता दीजिए, अगर सारा सिलेबस नहीं कर पाए, सिर्फ 12th का सिलेबस कर ले, आईआईटी क्रैक हो जाएगा आया मैं ना? तो कहूंगा कि जेई मेंस तक एक टाइम, जेई मेंस में आई विल से डेट जेई मेंस में जरूरत पड़ती है दोनों के सिलेबस का, बट जेई एडवांस में क्योंकि ऐसा होता है आधे क्वेश्चन करने होते हैं, जितने दिए उसमें से आधे क्वेश्चन करने होते हैं, तुम्हारी सफिशियंट रैंक आ जाती है, एक डिसेंट रैंक, तो आईआईटी तो में आई तो विल से सिलेक्शन डेट नहीं होगा ना? हाँ, क्योंकि जेई मेंस ही अगर क्लियर नहीं होगा तो एडवांस नहीं होगा। और अब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो परसेंटाइल भी हाई जाती है, परसेंटाइल गए तो तो मतलब दोनों दोनों 11th और 12th दोनों की अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ एक क्लास 10th में बच्चा है, उसका क्वेश्चन है कि मैं मवाना में ही हूँ, एक मवाना एक छोटा सा टाउन है, आपने देखा भी है, तो मैं यहाँ तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं? और एक सवाल और है, हालांकि इसमें मैं भी आंसर देना चाहता हूँ, सवाल पूरा ये है कि सर मवाना से कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं, तैयारी शुरू कैसे करनी है, और स्कूल इज इम्पोर्टेंट और डमी? तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, डमी जैसा कॉन्सेप्ट, ये इलीगल कॉन्सेप्ट है, हमारे गवर्नमेंट या कोई भी बोर्ड डमी स्कूल क्लासेस को प्रमोट नहीं करता है, ना अलाउड है, ये तो आपने स्कूल्स में सेटिंग कर रखी है तो आपको डमी क्लासेस मिल रही हैं, हालांकि डमी अलाउड नहीं है, डमी इज एब्सोल्युटली इलीगल। हाँ, मगर स्कूल का अगर मैं सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, एक छोटे टाउन का बच्चा जो मवाना जैसे टाउन में है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस कराने के लिए ज्यादा टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या कह दीजिए उतने एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हैं आज जो वो ले सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे आया डमी लेना चाहिए स्कूल का कंसेप्ट, तो मैं कहूँगा अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो तो स्कूल का, पर अगर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे स्कूल में अगर तुम्हारे 6 घंटे खत्म हो गए और 6 घंटे 8 घंटे तुम सो रहे हो तो तुम्हारे पास बचते कितने घंटे हैं, 14 मतलब 10 घंटे। 10 घंटे। अब 10 घंटे में से भी बेसिक कोर्स जो होते हैं ये सब में तुम्हारे 3 4 घंटे चले जाते हैं, तो तुम 5 या 6 ही घंटे पढ़ पाओगे। उसमें से तुम्हें अगर कोचिंग भी ले रहे हो तो 3 या 4 घंटे वहां जा रहे, तो 2 या 3 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जाएगी। तो इतना इतना कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा कि रोज इतना कर पा रहे हो तुम, लाइक 6 घंटे मिल रहे हैं तो रोज 6 घंटे को तुम पूरी एफिशिएंसी से कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर करते हैं लोग, पर हाँ ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर तुम स्कूल में भी मैनेज कर पा रहे हो कि 6 घंटे स्कूल के मैनेज करके थोड़ा सा अलग से कर लिया, लाइक स्कूल के 6 घंटों में से तुमने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, कुछ सब्जेक्ट ऑप्शंस कर क्या लिए। हैं इनके पास, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, जिनकी लोकेलिटी में कॉम्पिटिटिव क्लासेस आईआईटी के लिए स्पेशली टीचर्स नहीं है, वो उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या उन्हें ऑनलाइन हाँ, मैं उस क्लासेस पे की आ रहा तरफ था, जाना पर चाहिए? पहले जी मैं जी डमी और स्कूल हाँ वाला डाउट क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि वो ये जी काफी जी रहता है कि डमी जी लेना जी जी चाहिए नहीं, पर अब मैं कहूंगा कि डमी इज लाइक बेटर रहता है, क्योंकि अगर तुम्हें जैसे
जैसे डमी का मतलब भी ये नहीं कि बिल्कुल ही स्कूल नहीं जाना, क्योंकि स्कूल नहीं जाओगे बिल्कुल भी तो थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है। जैसे अगर तुम कोचिंग में पीछे रह गए, बैकलॉग हो गया, पर स्कूल में देख रहे हो कि अभी सब लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, बेसिक हो जाता है थोड़ा थोड़ा। पर मैं कहूंगा स्कूल भी ऐसे नहीं जाना कि रोज ही जा रहे हो स्कूल, या फिर कि कुछ आज फ्री पीरियड थे सारे तब भी हम स्कूल चले गए हैं। थोड़ा ऐसा मौज मस्ती वाला जो वर्ड होता है वो होना चाहिए लाइफ में, पर ऐसे नहीं कि बिल्कुल वही कर रहे हो। और तो मैं कहूंगा डमी बेटर है। अगर डमी डमी और स्कूल के बीच में अगर तुम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ऐसे सेमी डमी कह सकते हो या फिर सेमी स्कूल कह सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। और अगर रही बात रिसोर्सेज की अगर स्मॉल टाउन है, ऐसा स्मॉल टाउन वाली बात तो है ही नहीं अब, क्योंकि अब इंटरनेट आ गया सबके पास, तो कुछ भी स्मॉल टाउन नहीं रहा। लाइक सारे लेक्चर्स अवेलेबल है अगर मैं कहूँ तो, और ये ऐसे सब लेक्चर्स अवेलेबल है अगर किसी भी टीचर्स के देख लो, चाहे A1 बैच के देख लो कोई, अगर जैसे रहता है जेई में की कोचिंग इंस्टीट्यूट में A1 बैच होता है, या फिर लोअर रैंकर बैच होता है, रैंकर बैच, बैंकर बैच, ये कहने का चीज है। पर सबकी रहता है, अगर सबके कोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और सब कुछ अवेलेबल है। लाइक अगर तुम्हें डीप डीप नॉलेज भी लेनी है, अगर डीप साइंस पढ़नी है, तो उसकी भी अवेलेबल है। हम IITs में है, हमारी बुक्स के सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे, कुछ लोगों ने वीडियोस भी बना रखे, कुछ प्रोफेसर्स भी होते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। ये तो बात हटाई दो कि रिसोर्सेज नहीं है, और अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सब लोग पढ़ाने लगे हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं कहूँगा रिसोर्सेज वाली बात नहीं रहनी चाहिए कि रिसोर्सेज नहीं है। मोटिवेशन कम पड़ सकता है, पर रिसोर्सेज तो नहीं कम पड़ेंगे मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात कही है हमने कि मोटिवेशन कम पड़ सकता है, रिसोर्सेज की आज कोई कमी नहीं है। और हमने देखा भी है कि किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ के कोई समोसे बेचने वाला भी नीट क्रैक कर गया, जेई क्रैक कर गया, किसी रिक्शा चलाने वाले के बच्चे ने जेई क्रैक कर लिया, नीट क्रैक कर लिया। तो ये आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है श्रद्धा की, जिसको हम कहेंगे कि आपके मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की कमी। तो ओम, वंस यू आर इन IIT, तो IIT कितना बूस्ट करता है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का? हाँ, सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफी बूस्ट करता है। लाइक ऐसा होता है कि मैं कहना चाहूँ, मतलब ऐसा होता है ना, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में ऐसा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, या फिर और भी अपार्ट फ्रॉम डेट, हाँ गेम्स भी होते हैं कुछ, स्पोर्ट्स वगैरह, तो हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मैं तो नहीं करता था स्पेशली ज्यादा, मतलब मैं एवरेज ही था सब चीज़। पर यहाँ पे आके यहाँ पे दिखता है कि लाइक वो सब चीजें भी जरूरी है। अगर तुम्हें सबके सामने बोलना है तो तुम्हें स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए अच्छी, और ऐसे सभी लोग बोल रहे हैं आसपास। और ऐसा होता है जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, सभी लोग ग्रो करना चाहते हैं, तो सभी लोग सब चीजें सीखते हैं। हम लोग हाथ पैर मार रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे होते हैं शाम को, और कभी म्यूजिक सीख रहे होते हैं, कभी गिटार सीख रहे होते हैं। लाइक मैंने खुद से, लाइक मैंने फोटोग्राफी सीख ली, मेरे को मतलब फोटोग्राफी का शौक था शुरू से ही। यहाँ पे मेरे को कैमरा भी अवेलेबल हो गया, फिर मैंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी सीखी काफी, तो ये सब चीजें लाइक एक एक्सपोजर मिल जाता है हर चीज का। ऐसा सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, IIT और भी चीजें हॉबीज होती है पे अगर। काम करने का मौका मिल जाता है ना, हाँ, और सब उन्हें चीज आप जरूरी इन्हेंस होती कर। है, ऐसे बैलेंस बना हाँ के रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही, सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो एक लास्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे आजकल के एस्पिरेंट्स को, जो भी बच्चे 9, 10, 11 या 12 में स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने ड्रॉप लिया है, आपने IIT गांधीनगर में सिलेक्शन लिया है ना, बाद में हमें एक IIT गांधीनगर के साथ अपने पिक्चर विजन हम वीडियो में लगा देंगे, मगर जो लास्ट एडवाइस आपकी क्या रहेगी कि बच्चे स्ट्रेस में नहीं आए, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तैयारी करते करते, तो आपको भी स्ट्रेस हुआ होगा है ना, फ्रस्ट्रेशन आई होगी, फिर भी यू मेड थ्रू सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आपने IIT में सिलेक्शन लिया। तो गुप्ता जी, क्या लास्ट एडवाइस है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना हाँ, चाहिए? तो लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ स्टूडेंट को। देखो, बेस्ट एडवाइस दूंगा मैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे वो नहीं दूंगा जो स्टीरियोटाइपिकली बोलते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा रखो, एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो पढ़ाई करो, ये सब कुछ नहीं। देखो मैं बताता हूँ, अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तब भी कुछ नहीं होगा, बस इतना होना चाहिए तुमने पढ़ाई की थी, तुमने मेहनत की थी, अपना इनपुट डाला था। एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे तब भी चलेगा। लाइक मैं भी ऐसे कुछ टॉपर नहीं था, मैं भी ऐसे अभी अगर देखा जाए स्कूल लाइफ में मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि मैं काफी अच्छा बच्चा था, पर ऐसा था कि मैंने 11th 12th में काफी मेहनत कर ली, एंड मोमेंट पे मेहनत कर ली। ऐसा होता है काफी लोग जो है
पूरा साल पढ़ते हैं, पर एंड सेम, मतलब एंड सेम नहीं तो फाइनल टर्म कहते हैं स्कूल्स में, तो स्कूल टर्म में आके वो फाइनल टर्म में छूट जाते हैं, तो फिर उनका मार्क्स, ग्रेड्स कम हो जाते हैं, तो मार्क्स कम होते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर थोड़ा मौज मस्ती में आते हैं ऐसे कह दो। तो मैं कहूंगा कि मार्क्स को ज्यादा फोकस नहीं करना, तुम्हारी मेहनत को फोकस करना है पहली चीज तो, और चिली रहना है ऐसे, ज्यादा लाइक केयर फ्री वाला वो रहना है हमेशा। मैं मतलब एक ही बार हुआ हूँ जेई में, मतलब मैंने जेई में एक बार हुआ जैसे मेरा वो कह सकते हो कि लाइक मेरे को स्ट्रेस हुआ एक बार, जब मेरे एग्जाम आने वाले थे, एग्जाम जब मैंने बताया ना फाइनल जब आ रहे होते ना पास में, तो डर रहता है कि यार नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, और मैंने फिर आखिर में ऐसा हो गया था मैं केयर फ्री वाले इन्वायरमेंट में कि मेरा होगा ही नहीं, मैंने ये मान लिया था, फिर मैंने दे दिया एग्जाम की बस ऐसे। और एडवांस का अगर मैं बताऊं तो मेंस हो गया था मेरा, अच्छा मेंस में अच्छे आए थे मेरे एक्सपेक्टेशन से, दोनों मेंस में अच्छे आए थे, फिर मेरे को एक्सपेक्टेशन मेरे हिट हो गई थी एक्सपेक्टेशन, मेरे को ये था कि यही करना है बस और तो नहीं, फिर मैंने एडवांस का भी मना कर दिया था कि मेरे को एडवांस नहीं देना, मैंने घर पे कहा कि नहीं यार मतलब एडवांस तो मेरे से होएगा नहीं और इससे भी जरूरत भी नहीं है, ऐसे ऐसे कर दिया था। तो फिर मैंने एडवांस दे दिया बस थोड़ा सा, उसमें लकीली अच्छे आ गए, मतलब अच्छे भी नहीं आए अगर मैं और पढ़ता तो, मतलब यहाँ पे आके पता लगा मुझे कि मैं अगर और पढ़ता तो और अच्छा है क्योंकि उतना मेरा आईक्यू था। तो एक एडवाइस तो ये हो गई कि मार्क्स ज्यादा नहीं देने, और दूसरा केयर फ्री रहना है, और तीसरा मैं कहूंगा लाइक गॉड्स प्लान वाली बात की, गॉड्स प्लान ऑलवेज बेटर। एक मैंने पढ़ा था कहीं कि अगर तुम जैसे जिस चीज के लिए तुम अभी आज ज्यादा सोच रहे हो, तो अगर तुम 5 साल बाद देखोगे भी तो तुम्हें लगेगा कि क्या ही कर रहे थे, तो मतलब अगर तुम देख सकते हो, अगर तुम जैसे अभी 10th में तो 5th या 6th में कुछ, अगर तुम टॉय के लिए किसी के सोच रहे थे कि टॉय में ये वाला खिलौना मेरे को मिल जाता तो, पर आज सोचोगे तो थोड़ा ऐसे ही था, या फिर स्ट्रेस किसी चीज के लिए भी अगर दुख मान रहे हो तो वो टाइम ही था बस पास्ट ही था। तो एक तो तीसरी चीज मैंने ये बोल दी, और तो मेरे को लगता नहीं मैंने ज्यादा ज्ञान कर दिया वैसे, मेरे अच्छा, को लगता पेरेंट्स के नहीं लिए और कोई कुछ ऐड करना एडवाइस? चाहिए। ओम, पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस? बच्चों से अक्सर ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है पेरेंट्स की। यू हैव बीन थ्रू दैट एज ए स्टूडेंट, एज ए एक एक घर का बच्चा, एक बॉय है ना, एक सन। तो ऐसा कभी कभी हमारी अपने पेरेंट्स से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ पेरेंट्स की हमसे होती है। तो जो पेरेंट्स आज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं, ओवर एग्जेजरेट कर रहे हैं चीजों को, उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहते हो? हाँ जैसे पेरेंट्स तो मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया है मैं पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था, तो एक्सपेक्टेशन वाला तो है ही नहीं ज्यादा मेरा, तो ऐसा था मेरे पेरेंट्स तो फ्री थे, केयर फ्री थे, कुछ मतलब हो गया वरना नहीं, ज्यादा स्ट्रेस लिया नहीं इसलिए। तो यही रखना है कि ऐसे ज्यादा उनको भी स्ट्रेस नहीं देना है कि हाँ मेरे को करना ही है, फिर अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लाइक IIT एक मौका देता है, पर एट द एंड हम भी इंटरनेट ही चलाते हैं, हम लोग भी इंटरनेट से ही सीखते हैं, तो इंटरनेट तो सबके पास है IIT में भी और वैसे भी, तो तुम पढ़ना तो तुम्हें है ही आगे भी, IIT में पढ़ो चाहे कहीं भी, तो ये नहीं देखना कि IIT नहीं हुआ तो कुछ नहीं, IIT के बिना भी बहुत कुछ है, पर हाँ IIT माहौल देता है, मैं ये कहूँगा IIT के अगर IIT है तो काफी कुछ है, पर ऐसा भी है। तो मैंने कहा कि IIT अगर नहीं है तो भी कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ है, और अगर IIT है तो भी है, इतना बोला मैंने, यही सुनना बस। और ऐसे पेरेंट्स के लिए तो यही कि थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, मैं तो क्या ही दूंगा, बड़े होगा एडवाइस अब वो मेरे को आके कहेंगे, फिर बस यही है, मतलब बिल्कुल ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे को तो लगता है स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा मैं कि ऐसे नहीं कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी है कि मेरा IIT हो जाएगा, पर हाँ तुम्हें मेहनत करनी है कि पर कि मेरा IIT हो जाएगा, मेरी लाइफ लाइफ सेट हो जाएगी, फिर मेरा 2 करोड़ का पैकेज, वो नहीं होता है 2 करोड़ का पैकेज नहीं होता है, वो बाद में बात करेंगे किसके किसका होता है, पर हाँ पर एक पैकेज। माहौल हाँ, अच्छा होता है IIT का। IIT सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो समरी मुझे मिली है उनसे बात करके। और पैसा सब कुछ नहीं, तो पैसा टूल है, पर आप 2 करोड़ का पैकेज दे रहे हो, किसी को 10 करोड़ का भी है भाई, है ना। आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कोई लंदन बैठ के भी पढ़ाई कर रहा है, ऑब्वियसली उसका पैकेज ज्यादा ही होगा। तो पैकेज से खुशहाली नहीं मिलेगी, डिपेंड क्या करता है कि आपने क्या सीखा, आपने कौन सी लाइफ स्किल सीखी, और आपने अपने प्रोफेशन के लिए क्या सीख लिया है, उसी से आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। तो थैंक यू सो मच ओम, हमें अपना टाइम देने के लिए, अपने एग्जाम के शेड्यूल, एग्जाम चल रहे हैं उनके भी, और उसने भी अपने इस शेड्यूल के बीच में थोड़ा सा समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बाकी सभी जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, IIT एक्सपीरियंट हैं, सभी को ओम और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।